मैं बन गई हूं मौत। के आक्रमण के नाकाम होने पर गैलेक्सी में एक विजयी मानव जाति फैल गई थी। 25th सेंचुरी के अंत में ये जातियां दो प्रजातियों में बंट गई थी, होमो सेपियंस और जेनेटिकली सुपीरियर होमो टेक्नेस, जो कॉन्स्ट्रक्ट्स भी कहलाती थी। पीढ़ी दर पीढ़ी होमो सेपियन की संख्या कम हो रही थी, पर 2820 में सिर्फ कुछ ही छोटी ह्यूमन कॉलोनीज रह गई थी। Thank you.
evacuate and put a populate and towing your capsule into space. ये 7 साल पहले की बात है जब कॉन्स्ट्रक्ट कब्जा कर रहे थे। मैं उनके पुराने म्यूजियम गया था जहाँ वो बोली लगा रहे थे, पर कोई कुछ खरीद नहीं रहा था। तब मैंने वहाँ ब्लू व्हेल देखी थी, अब वो एक नजारा बन गई है। हैरानी है कि वो अपने सबसे खास चीज की बोली लगाएंगे। म्यूजियम में पड़े पुराने स्टारशिप की किसी को परवाह नहीं है, सबको बस पैसे बनाने और क्या। तो मैंने कुछ लोगों को यहाँ से इसे ले जाने के लिए बुलाया। तो ये कितनी पुरानी है? हाँ, मुझे लगता है ये काफी पुरानी है। हो सकता है ये 10,000 साल पुरानी है। years, but inside she's as sweet as a virgin on her honeymoon. 387. मैंने 387 में सफर किया है, बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था। हम सब नई फिटिंग करवा रहे हैं, पहले इंजिन्स, फिर इंटीरियर। सोच रहा हूँ इसे लेपर्ड स्किन से सजाऊं, पहले किसी स्टारशिप में ऐसा नहीं देखा है ना। और वो भी मिलिट्री टॉर्पेडोज की बिना। ये डिजाइन चुराई गई है 387 मिलिट्री से, जो 228 और 222 से चुराई गई है। इसका सबसे फास्ट स्पेसशिप होगा, और हाँ तुम देख लेना, ये कमाल का होगा। कैप्टन, अभी वक्त नहीं है। कॉन्स्ट्रक्ट 3 से मैसेज आया है। मैं फिशिंग कर रहा हूँ। तुम फिशिंग क्यों कर रहे हो? ये बहुत ही वाहियात सवाल पूछा गया है मुझसे। तुम्हें आज सुबह कॉन्ट्रैक्ट 3 पर होना चाहिए था। तो जल्दी क्या है, वो बस स्टेसिस पॉड्स हैं। हमें उनसे बात करने के लिए अपनी बात मनवाने के लिए। हम यही करेंगे, ठीक है? तो 3 दिन तुम ज्यादा पैसे दो, ज्यादा फ्यूल खर्च करो और वहाँ जल्दी पहुँचो। हे रॉज, क्या तुमने कभी किसी के साथ डेट किया है? You're referring to sex. You should try it sometime. Good for you. Make you loosen up, you know. हमें पॉड्स कब हासिल करना है? और 2 दिन, छोटा सा तो काम है। Hey, Turasi, हमने रिफिट पूरा कर लिया है। अब तो मुझे लगता है जाना ही पड़ेगा, कभी भी चैन से फिशिंग नहीं करने देते। अब चलो, नहीं तो वापस मैसेज कर देंगे। काम हो गया? हाँ, बस थोड़ा ही बाकी। ले। वो मार्कस जैसी माहिर नहीं है, तुम रिलिक्स देख लेना। वो 60 सालों से रिफिट मशीन है। ओह माय। ये नाराज है क्योंकि ये उड़ नहीं पा रही है। हाँ, मुझे वहाँ ऊपर जाना है। तुमने हमले के बारे में सुना? आई डोंट केयर। 3 ह्यूमन वर्ल्ड का पता लगा। ये सिर्फ अफवाह है, काम हो गया, जांच करो और जाओ। मैंने सुना कि वो नेफिलियम था। नेफा कौन? एक और ह्यूमन हाइब्रिड। उन्होंने अपने सिस्टम में एलियन का पुराना डीएनए मिला लिया है, जो खतरनाक है। वो अपने आप को होमो सुपीरियर। मुझे पॉलिटिक्स या हाफ ब्रीड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हो जाएगी अगर तुम मान जाओ। क्या ये ऑर्डर है? सॉरी कैप्टन, अगर आप मुझे क्या पुकारा? कैप्टन। सही कहा, देखो मैं कैप्टन हूँ, मैं ऑर्डर करूंगा और तुम मानोगे। अगर आप देखो, मैंने तुम्हारे क्लोन दोस्तों के सामने तुम्हारी इज्जत रखी। पर उसका कहना है कि ठीक है, रहने दो, क्यों ना तुम उसे मेरे कैबिन में ट्रांसमिट करो, और तुम जाने से पहले सारे ट्रांसमिशन चेक कर लेना। मेरी याद आई। ज्यादा वक्त नहीं है हमारा। हाँ, मैंने सुना उस मुसीबत के बारे में। मैं ये बता रहा हूँ, मेरा पीछा हो रहा है। तुम कहाँ हो? लेडीज फाइव पर। उस बैंक में
तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया क्योंकि तुम नहीं चाहती कि हमारे बच्चे हो रहा है। इवन ह्यूमन ग्रुप हमने सबको विपराइज किया। तुम कौन सा शिप उड़ा रही हो? सिक्स टाइम जंपर। मेरे पास मौका नहीं था। देखो पहले तुम शांत हो जाओ। गिराज से तुम्हारी मदद चाहिए। शीटैक, शीटैक, ये प्लेडी सिस्टम काफी खटिया है। पर हमें तो जाना है। उसे हमारी जरूरत है। तुम तैयार हो? ऊपर आ रहे हैं। ब्लू, ब्लू, क्या तुम सुन सकती हो? ये क्या हो रहा है? 387 एक हीरो है। दूरी 20 मिनट में ब्लू, तुम कमाल की हो। यहाँ क्या हो रहा है? तुम अभी तक यही हो? मैं कोर रिलेट चेक कर रही थी कि तुमने इंजन शुरू कर दिया। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? क्योंकि वो सेंट्रल कोर है, मैं वहाँ भून जाती। मुझे ऐसा नहीं लगता। शीट एक के खतरे को स्कैन कर। मेरा शिप कहाँ है? लगता है वो अभी भी पीछे खड़ा हुआ है। ब्लू, वो अभी भी वही है। हम उसे बचा लेंगे। एक फ्लीट शिप पे ये मुमकिन नहीं है। समझ गया, कॉम लाइंस ओपन करो। तुमने काफी वक्त लगा दिया। दुर्घटना से देर भली। जीरासी में पौर को एनएमआर तक ले जाने की कोशिश कर रही है। ये हमलावर शिप है कहाँ? वो सब जा चुके हैं। कहाँ गए? सब के सब। ओह नो, जीरासी वो वापस आ गए। शीट एक, फौरन वहाँ से निकलो, जल्दी करो। नहीं आ सकते। शिप आ रहे हैं। जनरल, एंटीग्राव को इंगेज करो, ये ठीक रहेंगे। रोज़ दैट, संभल के। मैं नीचे जा रही हूँ। हम आ रहे हैं ब्लू, टॉर्पिडोज लोड करो। कौन सा? जो इल्लीगल है। क्या? ओह नो, तो फिर मैं चलता हूँ। वो इलीगल है। यहाँ मुझे पकड़ने को पुलिस तो नहीं आ रही है। सब कंट्रोल के बाहर जा रहा है। ओ, हमने उन्हें मार गिराया। शीटैक, यही हो। यहाँ और भी वॉरशिप। अब हम मारे गए, ये वाला आखिरी था। ऊपर वाले को याद करो। कर रहा हूँ। स्टेटस क्या है? लोअर टेम्परेचर पर एक और वॉरशिप टारगेट पर है। हम वहाँ नीचे जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। हाँ जाएंगे। फायर बॉल पे लैंड नहीं करेंगे। तुम्हारे रिपेयर सेवन के बारे में क्या? वो टू सीटर है। हम लैंड करेंगे। मेरे होते हुए बिल्कुल नहीं। मैं जाऊँगा। तुमने वादा किया था कि तुम। सॉरी बेब, हम नीचे जा रहे हैं। जरासी, मुझे वापस ऑनलाइन करो। तो समझे? ये क्या है? ऐसे ही किसी को शूट मत कर देना। समझ गया। वाकई? हाँ हाँ, मुझे ऐसे ही किसी को मारने का शौक नहीं है तुम्हें। शट अप। यहाँ तो उनका कहीं अता पता नहीं है। ओ गॉड, कितनी बदबू है। बिल्कुल तुम्हारे कैबिन जैसी। ये एक ओशन था लगता तो है प्रोफेसर। जानते हो अगर मैं कैप्टन होता ना तो इस जगह से बहुत दूर चला जाता। तुम कैप्टन नहीं हो इसलिए अपना मुंह बंद रखो। मुझे ये पसंद नहीं। मैंने कहा ना अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो बिना वजह मुझे अपनी सलाह देते रहते हैं, इसलिए अपना मुंह बंद ही रखना। समझ गया। गुड, उम्मीद है तुमने अपनी प्रेयर्स। कम ऑन, निशाना लगाओ। ये तुमने क्या किया अभी? क्या तुमने गन चलाई? मैंने चलाई? उन पर नहीं, मुझ पर चलाई। इन्हें ह्यूमन ही बदले लेना चाहिए था। कितने बदसूरत हैं। तुम्हारी तरह।
ओ, ओ, हम ह्यूमन हैं। ये नहीं है। स्वागतम 387 लिबरेटेड क्रो मैग्नन क्लोन्स। मुझे लगा तुम सब मारे गए हो। वेगा के पास एक गुप्त कॉलोनी है। अगर ऐसे ही सबको बताते रहोगे तो वो सीक्रेट नहीं रह जाएगी। अपने हाथ मेरे कोट से हटाओ। तो शिटा कहाँ है? इस शटल की पायलट वो तुम्हें खींच रही थी। Power guns overheated. Wait for 30 seconds. Proximity alert. तुम परेशान हो? तुम अंदर जाओ। तुमने उसे 7 सालों से नहीं देखा ना? हाँ। देखो कैप्टन, मैं जानता हूँ। नहीं जानते हो? सियोन तूफान, सियोन, चा, सियोन मालाचुइक, सियोन ची अमाह, समाख सियोन, उगा समाह सियोन, सी अमाह, समाख सियोन, उगा समाह सियोन, सी अमाह। क्या हुआ? मैं बेवकूफ, मैंने कहा लड़की को लेकर। मेरा नाम अलीशा है। क्या? अलीशा, क्लास ए ब्रीडर अलीशा। सभी आलस और उसको यहाँ शिप पर वापस लाओ। देखिए, मुझे सेफ्टी चाहिए। ये बहुत ही सीधा साधा है, इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं। वैसे भी किसी पर भरोसा करना काफी मुश्किल काम है। सोरगन एक कम अकल वाला है, पर है काम का। अच्छा हो तुम लोग आगे। मैं जनरल फ्राइटैग हूँ। दरासी वोर्ड है, मैं सैल्यूट करता, पर दी दरासी वोर्ड जो ब्रीडन का हमलावर है। वो बहुत पहले की बात है, वो एक अलग ही। सुना है कि तुम्हारे कोर्ट मार्शल के बाद तुम जुर्म की दुनिया के बादशाह बन गए हो। देखो मैं तुम्हारा जुर्म कत्ले आम था ना? हा? देखो गलतियां तो सभी करते हैं ना। तुम स्मार्ट हो, तुम वेगा में ही रहते हो ना? 7 साल से वहां कोई ह्यूमन नहीं है। तुमने ये दूसरी कॉलोनी से सुना? कोई दूसरी कॉलोनी नहीं है। वैसे सच सब खत्म हो गया है, सब के सब। उन्होंने बाया बॉट से घुसपैठी की। कई साल रहने के बाद जब उन्होंने सिग्नल दिया तो सब खत्म। हम लोग अपनी फ्लीट भी नहीं बना पाए। तुम्हें पता है सब कुछ कुछ ही दिनों में तबाह हो गया। वहाँ कोई तो होगा, कहीं तो होगा। मैं यहाँ महीनों तक खोजबीन की, प्लीडर्स बिल्कुल खाली है, कोई सिग्नल तक नहीं मिला। मैं कॉन्स्ट्रक्ट्स को उनके देश वापस ले जा रहा हूँ जहाँ पर वो सुरक्षित होंगे। हमारे होमोटेक्निक्स दोस्तों ने नेफिलियम से एक टाइप कर लिया है। अगर तुम वहाँ गए तो तुम्हें अपराधी समझा जाएगा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं लीग प्रोटेक्शन के तहत हूँ। मेरी बात सुनो बेवकूफ लड़के, असली नेफिलियम जाति हजारों साल पुरानी है। कॉन्स्ट्रक्ट्स की तरह वो चाहते हैं कि हम मर जाएं। तुम इतने मजबूत नहीं हो जनरल। तुम और मैं शायद गैलेक्सी में बचे आखिरी जिंदा इंसान हैं। और तुम्हारी हालत भी अच्छी नहीं है। ये अलीशा तुम्हारी बेटी है क्या? वो हमारी आखिरी ब्रीडर है।
लेकिन मुझे तुम्हारी गंदी सोच पर गुस्सा आ रहा है। कहीं तुम उस पर अपनी गंदी नजर न डाल दो, पर मुझे लगता है कि शायद तुम उसके तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें उसके साथ सेक्स करना होगा। या देखो, हम पहले हम लड़ते हैं फिर इसकी फिक्र कुछ भी बचा नहीं है। सबसे पहले मिलिट्री खत्म हो गई थी, तुम्हारे पास छिपने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। प्लैनेट मार्स पे लिबरेशन वॉर के वक्त के कई पुराने इलीगल हथियार हैं। मेरी जिंदगी के दो रूल्स हैं। ऐसे किसी लड़के से रिलेशन मत बनाओ जो आपके लायक नहीं है, और ऐसे किसी जगह मत जाओ जहाँ खतरा हो। क्या तुम जानते हो तुम्हारे लिए क्या ठीक? हाँ वो तो है। इसलिए ध्यान से सुनो, हमारी जाति खत्म हो चुकी है, सब खत्म हो चुका है, कोई नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। क्या सब मारे गए? जनरल ने तो यही कहा था। गैलेक्सी में हर जगह कॉलोनीज और स्टेशंस हैं। उन्हें घुसपैठ करना आ गया है, तो सवाल ये है कि हम अभी भी जिंदा क्यों हैं? तुम स्पेस की बहुत छोटी जगह पे छुप रहे थे। अब से छुपना बंद। साले कॉन्स्ट्रक्ट, सब चलो ब्लू। वो हम पर फायर क्यों नहीं कर रहे हैं? हम उनके लोग पॉड्स में लेकर जा रहे हैं, हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नीचे की ओर चलो। वो तैयार है? जी कैप्टन। तो कार को उतारो। एनएमआर की ओर पूरा रिवर्स लो। ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा रिवर्स लो। एनएमआर से नहीं, हम रेगुलेटर्स को उड़ा देंगे। मैनुअल कंट्रोल से करो। जरासी, वो अब दो है। ओ ये क्या है? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? रेगुलेटर्स 3 और 5 उड़ गए हैं। ब्लू स्टेबिलाइज, ब्लू हाइपर स्पेस कोऑर्डिनेट, कहीं भी पर मार्स नहीं, वहां नहीं। गॉड्स लॉक्स, एंगेज। बाल बाल बच गए, बाल बाल बच गए, बाल बाल बच गए। ये क्या चल रहा है जरासी? उन्होंने एनएमआर उड़ा दिया। देखो मजाक बहुत हो गया, जाकर रेगुलेटर्स ठीक करो। मैं तुम्हारे क्रू की मेंबर नहीं हूँ। अब हो गई हो।
ब्लू तुम ठीक हो? ये सब देखते हुए मैं ज्यादा दूर नहीं जाने वाली। बगावत, मेरे इंजेक्टर्स जाम हो गए हैं, रेगुलेटर्स उड़ गए हैं, हमारी स्टार बोर्ड ड्राइव से प्लाज्मा। अच्छा है कि तुम्हारे बोर्ड पर एक मैकेनिक तो है। मैकेनिक था पर तुम तो कुछ नहीं। ब्लू ऐसे नहीं कहते, हम लकी हैं कि यहाँ है। माफी मांगो इनसे। मुझे नए इंजेक्टर्स चाहिए। अगर हम फिनयान के स्टेशन पे रुके तो मुझे जो चाहिए वो वहाँ मिल सकता है। वो तो रास्ते में ही पड़ता है। अगली बार क्रू में सिर्फ मर्द ही होंगे। ये हर ह्यूमन की फ्रीक्वेंसी होती है पर ये मुझे ये गाना पसंद नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है होमो सेपियन को सताना खत्म हो चुका है और नेफिलियम का एम्पायर जीत चुका है। सभी होमो टेक्निक्स, होमो सुपीरियर, होमो कॉन्स्ट्रक्ट्स और बायोक्लोन्स अपने लोकल सिक्योरिटी को रिपोर्ट करें और नए रूल्स को फॉलो करें। तो अब सिर्फ हम और वो हैं? हाँ। और दुरासी? वो भी। लेडीज के लिए चार दिन किसी फ्रीक्वेंसी का कोई पता नहीं है। क्या मैं कभी बर्गर खा पाऊंगा इसका मुझे शक है। का स्वाद तो मैं भूल चुका हूं। हम कॉन्ट्रैक्ट्स के शिप को दूर से देख रहे हैं। मार्स पहुंचने में सिर्फ एक ही दिन है। काश वहां बर्गर मिल जाए या फिर कोई खूबसूरत सी। मैं जरा बताओ ये शिप इतना ठंडा क्यों है? हर शिप ठंडा ही होता है। क्या पहले कभी स्पेस में नहीं आई हो? लेडीज फाइव कभी छोड़ा ही नहीं। वहाँ का बीच हमेशा गर्म रहता है। बैठो। शीटा को कितनी अच्छी तरह जानती हो? वो हमारे प्रोग्राम की इंचार्ज थी। उसने कभी मेरे बारे में बात की? वैसे जरूर की हो। नहीं, कभी नहीं, पर वो फ्रेडी के बारे में बहुत बोलती थी। क्या तुम और वो? हाँ, है पूरे 18 महीने। पर तुम उसके टाइप के नहीं लगते। हाँ हाँ, शायद नहीं हूँ। तो तुमने ब्रीडर बनना क्यों चुना? तुम्हें बहुत पसंद है? कभी ट्राई नहीं किया। मुझे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए एनकरेज किया जा रहा है, यही बात है ना? हाँ, मैं कुछ वक्त के लिए वहाँ नहीं था। ओह, वैसे किसी बीमारी ने औरतों की ओवरीज को नुकसान पहुँचाया था। मेरे फिर भी ठीक है, तो मुझे मेडिकल प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए गड़बड़ कर दिया। क्या तुम कुछ कर सकती हो? अगर स्टेशन में इसके पास मिल जाए तो दिरासी से बात करवा। उसके पास और भी काम है। देखो, काफी वक्त से मैंने उम्मीद करता हूँ। मैं तुम्हारी हिस्ट्री जानना चाहती हूँ। मेरे फादर मिलिट्री में थे और यंग एज से उन्होंने मुझे फोर्स किया। और तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री? जब मैं 12 साल का था तो अपनी 3 हड्डियां तुड़वा चुका था। 76। मैं 90 के अंदर वालों को टच नहीं कर सकती। मैं 39 का हूँ। बहुत जिद्दी है।
बात है? मेरी मम्मी जा चुकी है। तुम यहाँ कब से हो? क्या तुम मेरी मम्मी बनोगी? मुझे तुम्हारी मम्मी बनने में बहुत खुशी होगी। इनको मारना ही होगा, होमो शेप इनको मारना ही होगा। होमो, मुझे अजीब लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा। डॉकिन बे का दरवाजा खोलो ब्लू। सॉरी कॉन्टेसा, मैं ये नहीं कर सकती। ने कहा दरवाजा खोलो वरना मैं तुम्हें उड़ा दूंगी। जल्दी करो। दरवाजे खुल गए हैं। दिस इज माई फर्स्ट टाइम, तुम समझ रहे हो ना? इट्स माई फर्स्ट टाइम विद अ वर्जिन। ओह 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 सॉरी। Oh, that's nice. Oh, God. Yeah. Oh. Sorry, मैं जरा बहक गया था। ये मेरे लिए थोड़ा अजीब था। शीटैक ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया और मैंने उससे तोड़ लिया, क्योंकि वो बच्चा नहीं चाहती थी। मुझे नहीं पता, पर बात यह है कि तुम चाहती हो और मैं इस बारे में श्योर नहीं हूं कि मैं बच्चा चाहता हूं या नहीं। मैं चाहता हूं पर इतनी जल्दी नहीं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुम्हें जानना चाहता हूं। डेरासी कौन है? वो 10 मिनट पहले जा चुकी है। समझ गया। तुमने कुछ देखा क्या? मुझ में कोई कमी है क्या? मैं तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगती? जब से मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हारी शादी मार्कस से हो चुकी थी। मार्कस तो एक ऐसा बंदा था जिसे मैं बहुत, और हम दोनों उसे मिस करते हैं। मुझे प्यार में होने की फीलिंग पसंद है। ओके। और तुम्हें? मार्कस ने शीटैक के दिनों के बारे में बताया था। 20 साल पहले मार्कस तुम्हें फिशिंग ले गया था ना? रिंटा टूर्नामेंट 2833। बेहद बड़ी मछली पकड़ी थी। मैंने 2824 पकड़ी थी, 25.7 किलो की। 28 किलो की। तुम इतनी ताकतवर तो नहीं दिखती हो। डेरासी, तुम मुझे पसंद करते हो? तुम हम लड़कों जैसे हो। मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मेरे पास अभी कुछ नहीं है। तुमने वो सब सुना? देखो जरासी, ये गड़बड़ करती है, इसे सब सच बताओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये मेरा रूल है। ओह नो, ओह नो। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। फायर करो। कैसे करें? तुम्हारे लिए गिफ्ट। पागल हो गई हो? बाहर भेजो, फिर देखो कैसे उनकी धज्जियां उड़ाती। इनकमिंग ट्रांसमिशन।
कोई वजह है जिसके लिए इन्हें इस्तेमाल नहीं किया गया? किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा इनकमिंग ट्रांसमिशन। मैंने कुछ लोगों को देखा है, अगर वो कहना नहीं मानते हैं तो उन्हें सजा जरूर मिलती है। मैं क्या जवाब दूं? उनसे पूछो कि उनके पास फिश पकड़ने की रेसिपी है नहीं है तो में जाए। स्क्रीन पर देखो कैप्टन, तुम्हें ऑर्डर है कि तुम नीचे आ जाओ। हमने तुम्हारे पॉड्स पहले ही बर्बाद कर दिए हैं, दफा हो जाओ। गैलेक्सी तुम्हारे पीछे है, हमें ये सब खत्म करना है। अगर मैं तुम पर हमला कर दूं तो इसके बारे में क्या ख्याल है मिस बर्बर? शिप पे तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं बचा। पर हम तुमसे ज्यादा तेज है। Why don't you sit on this and spin, you squealing pig? वो जो कहती है करो कैप्टन। तुम उनके साथ मिले हो? मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। कोई चॉइस नहीं थी मतलब 5 साल की सर्विस में तुमने मुझे ये सिला दिया? Shut up, pig master, monkey brain। क्या तो तुम सब मिले हुए हो पर मुझसे क्या चाहते हो? हमारा चुराया हुआ शिप। हमारा मानना है कि कोर सिस्टम में हमारे एंशियंट गॉड का डीएनए कोडेक्स मौजूद है। उन्हें अमर होने के लिए वो चाहिए। तुम साले कठपुतली हो, चलो मारो। छोड़ दो वरना मैं। स्क्रीन बंद करो। जानते हो तुम्हारे लिए अपने कैप्टन की इज्जत करना सीखना जरूरी है। थैंक यू। इडियट, तुम्हें अच्छी जिंदगी, रोमांच और एक्साइटमेंट का मौका था। मेरे सारे भाई बहन मरने नहीं चाहिए थे, इसीलिए मैंने तुम्हें शूट नहीं किया। यही तुम्हारी सजा है मंकी स्लेव। मैंने तुम्हें उस घटिया जगह से यहाँ लाकर फर्स्ट मेट बनाया। सेकंड मेट? हाँ सेकंड मेट। तुमने मुझे एक पालतू पिग की तरह ट्रीट किया, पिग मास्टर। तुम कैप्टन बनना चाहते हो? बनना चाहते हो तो यही मौका है कैप्टन केवमैन। Sorry, हम अभी मार्स की ओर चलें? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। Headed to some place called Mars. Mars पे क्या है? पुरानी ह्यूमन कॉलोनी है, हथियार है, शायद फौज भी हो। मुझे नहीं लगता। पूरा सिस्टम रेडिएशन से भर गया है। हम कुछ हफ्तों तक रुकेंगे, फिशिंग करेंगे, वेपन्स इकट्ठा करेंगे और फिर हम जंग पर निकल पड़ेंगे। प्लैनेट अर्थ सदियों पहले ही तबाह हो चुका है, वहाँ अब कोई नहीं रह सकता। उन्हें फ्लीट आने तक स्लो करो, जाओ। तुमने 387 को अपने न्यूक्लियर हथियार से डरा दिया। ओह हे, तुम्हें क्या हुआ है? मैं काफी थक गई थी। ओह, ये ठीक नहीं हो रहा कैप्टन। स्टारबोर्ड इंजन से प्लाज्मा निकल रहा है। प्लाज्मा को इग्नाइट करो। अब ठीक है? ठीक है। वो वापस आ रहे हैं, हम NMR 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तुम मुझसे काफी इंप्रेस हो गया ना? जो उन्होंने मेरे कोर प्रोसेसर के बारे में कहा है वो सच है? नहीं, इसे हम कहते हैं स्टारशिप जलन। तुम गैलेक्सी में सबसे फास्ट हो। तुरासी, क्या है? मुझे तुमसे कुछ कहना है। बाद में कहना। नहीं अभी। हे, रुको रुको। हे 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 हे, अगर हमने शिप को डिस्ट्रॉय किया तो हम सब कुछ खो देंगे। हमारी फील्ड बस आने ही वाली है, वही इससे निपटेंगे। उसका स्टारबोर्ड इंजन कमजोर है, छोटे हमले भी उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो स्लो होगी और पकड़ने में आसान। तो उसे डिस्ट्रॉय करो, हम तुम्हारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय करेंगे। देखो, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम उसका दोष मुझे मत देना। यह आखिरी बियर है, शायद इसके बाद कभी नहीं मिले। ओह, इसका टेस्ट तो बियर जैसा नहीं है। हाँ, ये मैंने खुद बनाई है। वाओ। कल की रात काफी खास थी। वाओ। एक बात बताओ, मुझे थोड़े और चाहिए थे, यू नो, झटके। वो तो लग ही रहे हैं।
मुझे तुम्हारे साथ कुछ मजा नहीं आया। ओ, तुम्हें कुछ महसूस हुआ? ये किस विस करना जैसे तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मुझे मजा नहीं आया। मैं तो कुछ और ही चाहती हूँ। शायद हमें फिर से करना चाहिए। नहीं, एक्चुअली मैंने तुम्हारे का सैंपल छुपा कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता हमें और करने की जरूरत है। और मेरे पास कुछ ओवरीज के सैंपल हैं, शीता के एग्स हैं, मैं उन्हें मिक्स एंड मैच करके काफी कुछ बना सकती हूँ। हमें ये हेल्दी जीन पूल के लिए चाहिए। तुम शीता का क्लोन बना सकती हो? पूरी क्लोनिंग फैसिलिटीज के बिना नहीं, उनके जैसा और कोई नहीं। दोस्त, वो जा चुकी है। पियर पियो। कंटेसा तुम्हें काफी घूरती है। शी इज ब्यूटीफुल। तुम दोनों की जोड़ी काफी नहीं। तो क्या वो तुम्हारी बहन है? वो मेरे एक पुराने मैकेनिक की बीवी है। वो मर चुका है। ओ, तो क्या उसके भूत से तुम डरते हो? तुम इस बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहोगी, कसम खाओ। कसम से? असल में वो रोबोट है। क्या? कॉन्टेसा का प्लेजर मॉडल थी, फिर उसने उसे प्रोग्राम किया। उसे लगता है कि वो ह्यूमन है। उसे प्यार करने के लिए प्रोग्राम किया गया है और एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए भी। वो क्या कर रहे हैं? हम पे हमला कर रहे हैं। क्या ब्लू हर बात सुनती है? हम जल्द ही रेंज से बाहर होंगे। क्या वो तब भी देख रहे थे जब हम लाइट्स ऑफ थी, पर मैं तुम्हारी वो सारी बातें सुन रही थी। ये अजीब बात है। इससे मुझे कुछ याद आया, ये नॉर्मल एआई नहीं है। अजीब है। तुमने किसी मशहूर इंसान का प्रोफाइल इस्तेमाल किया है ना? ये कहाँ मिली? एक पुराने कंस्ट्रक्ट म्यूजियम में। तुमने उसे चुराया है। मुझे उसकी पर्सनालिटी पसंद आई, पर उसकी हिस्ट्री मिटानी पड़ी। एक लड़की जो सामान लिए थी। तुमने क्या किया? कुछ नहीं। और मेरी पुरानी पर्सनालिटी का क्या हुआ? मुझे उससे, तुम काफी डोमिनेटिंग थी। और तुमने इरेज कैसे की? तुम एक पुराने जहाज का ढांचा थी, एक बायो प्रोसेसर कंप्यूटर, तुम्हारे कुछ पार्ट सेंचुरी तक चलाने के लिए बनाए गए थे। ये चमत्कार है कि तुम फिर से काम करने लगी। किसकी पर्सनालिटी यूज की? ये तो मजेदार है। मैंने शीटा की पर्सनालिटी इस्तेमाल की। मुझे पता था। मैंने हमारे खुशी के पलों की यादें डाउनलोड कर ली। ये तुमने क्या किया? मैं तुम दोनों को मिलाना चाहता था। तुमने मेरी पर्सनालिटी इसके साथ मिला दी। मुझे लगा कि तुम कुछ और ही बनकर निकलोगे। एक मिनट, अगर ये इतनी पुरानी है तो क्या ये नेफेलिन वॉरशिप है या एक असली शिप? शायद असली। अच्छा है, मुझे जाकर अपनी फैमिली से मिलना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं? वो मेरे स्टारबोर्ड इंजन पर हमला कर रहे हैं। ओह नो। शांत हो जाओ दरासी, तैयार हो जाओ। ब्लू स्पीड बरकरार रखो। इंजन पे चल रहे हैं, वो पहुंच रहे वाले हैं। हम उन पर किससे हमला कर सकते हैं? इंजन फेंक कर। स्टारबोर्ड इंजन नहीं चल रहा, छोटे डिटोनेटर से जैक करेंगे और उन्हें उड़ा देंगे। बहुत खूब, वो हमारे लालच में आ जाएंगे और फिर हम उनका खात्मा कर देंगे। हम बस पहुंच ही गए हैं। वो क्या कर रहे हैं? काम हो गया? नहीं, मैं कैप्टन की सारी चालाकियों को जानता हूं। मैग्नेटिक एक्टिवेट करो। वो आ गए हैं। हाँ। जल्दी शूट करो। शेयर सुपर करो।
रैम स्कूप तबाह हो चुका है, इंजन मैनेजमेंट ऑफलाइन है, पता नहीं क्या होगा। कोई बात नहीं, हमारी वॉर फ्लीट पास ही है। बहुत खूब कैप्टन, हमारे जासूस उनके पीछे है। क्या? उनके लैंड होने की इंफॉर्मेशन हमें देंगे। मैं अलग से लैंड करूंगा, पता नहीं तुमसे कभी मिल पाऊंगा या नहीं। ये पर्सनल शटल है ना? हाँ, लैंड करने के लिए सेफ है। तुम चाहते हो मैं लैंड करने से पहले मैं फिल्म को उड़ा दूं? तुम यहीं रहना, यहाँ मेरा काफी प्रेशियस कार्गो है। कैप्टन, अब जाओ। वक्त गुजर रहा है, हम धीरे से लैंड करेंगे। तुम ठीक हो? I'm fine. फिशिंग होल भी नहीं है ब्लू, किसी अच्छी जगह लैंड करना। स्कैनिंग। तुम एक नटखट बच्ची हो। मैं उनके लिए कितनी खास थी? कॉन्स्ट्रक्ट्स के लिए। उन्होंने तुम्हें म्यूजियम में कैद करके रखा था, तुम होश में थी और कई हजार सालों से अकेली थी। तुमसे बात करने के लिए कोई नहीं था, बिल्कुल अकेली थी, हिल भी नहीं सकती थी। तो वो मैं थी? वो असल में तुम नहीं थी ब्लू, और तुम शीटैक नहीं हो, तुम अजूबा हो और खास हो। तुम ये जानती हो ना? मैं तो जानती हूँ, पर तुम जानते हो क्या? वार्निंग अलर्ट। क्या वो नीचे हैं? लगता तो है, ये ठीक नहीं है। ये काफी तादाद में है। हम लैंड कब करेंगे? मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती। तुम ब्रीडर क्यों बनी? मुझे कोर्ट में जॉब नहीं मिली और मैं घर से दूर जाना चाहती थी, इसलिए। कितने बेबीज के लिए साइन किया है? मैं 10 तक पैदा कर सकती हूँ, पर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 5, और 5 का ही पेमेंट 10 के बराबर है, तो मैंने सोचा बूढ़ी होकर एंजॉय करूंगी। पर तुम तो प्रेग्नेंट होने वाली हो, है ना? मैं कभी किसी मर्द के साथ नहीं रही। मतलब? वो वैसा नहीं जो मैं, पता नहीं इसे मैं क्या समझूं। मेरे पास कई मर्दों के सैंपल्स हैं, पर जुरासी तो कॉमन है। वेल, अभी तक तो नहीं। तुम्हें वो पसंद है ना? शख्स नहीं, मेरे हस्बैंड की मौत बस हाल ही में हुई है और मैं यहाँ का चार्ज। क्या हम थोड़ी देर के लिए कहीं रुक सकते हैं? मेरी कहानी तो सुन लो। तुम्हारी कहानी? क्या मजाक है, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैं सेटल होना चाहती हूँ एक ऐसे आदमी के साथ जो मुझे प्यार करे। और क्या हुआ? ओह, तुम ऐसा मत सोचो। मुझे ऐसा सोचने का पूरा हक है। तुम्हें है, पर एलिशा, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम एक रोबोट हो। क्या? तुम एक प्लेजर मॉडल थी और तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें ह्यूमन की तरह सोचने के लिए प्रोग्राम किया है। नहीं, मैं ह्यूमन हूँ, यही सच है। हर किसी को शिप पर ये पता है कि तुम एक रोबोट हो, सिवाय तुम्हारे। तुम गलत सोचते हो कंटेसा, पर तुम बच्चे नहीं पैदा कर सकती। कर सकती हूँ, आखिर मैं भी एक औरत हूँ।
मुझे भी तुम्हारी जैसी फीलिंग्स है, वही दर्द होता है। तुम एक बायोबॉट हो जो सब एक ह्यूमन की तरह करता है, ये सच है। नहीं, जुरासी ने मुझे बताया, इसलिए वो तुम्हारे साथ। मिलिट्री डंप से कितनी दूर है? 20 miles। ये ठीक है, हजारों साल पहले जम गई थी, पर तुम्हें एयर पैची और थिन लगेगी। ये तोहफा अच्छा है। जरा संभल के। यस मॉम। जरा से। क्या है? जल्दी वापस आना। प्लीज, इस पर हर जगह बीचेस है, जमीन भी कम है और शैलो वाटर है, वहाँ खुली जमीन है। मुझे पानी से डर लगता है। तुम मुझे पसंद करते हो ना मिस्टर ट्विंकल? बोलो। ये शायद आखिरी हो। मिस्टर ट्विंकल ने मर्दों के रखे हुए हैं। कभी प्यार किया है? मुझे ऐसे ही प्रोग्राम किया गया होगा। मेरे इमोशंस कुछ नहीं, बस एक उसने मुझे कुछ फील करने के लिए प्रोग्राम क्यों नहीं किया? कुछ पाने के लिए क्यों? मुझे भी, मुझे भी बच्चे चाहिए। वो क्या है? जो सकेगा करूंगा। मुझे ये पसंद है। वो आ गए। क्या वो हमें देख सकते हैं? बिल्कुल। वो रुक नहीं रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? खटिया नेफलिम। वो हमें पीछे से अटैक करेंगे? उनके पास इससे भी जरूरी काम है। परेशान मत हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूं। था अभी भी गुलाम। कौन सी जनरेशन है? G7। 3 hearts, बायोप्लाज्मिक स्किन, डबल डेंसिटी क्रेनियम, लंग फिल्टर एनहांसमेंट। तुम जानती हो? मैं जेनेटिक्स प्रोग्रामर थी। इंक्यूबेशन के बाद मुझे दूसरी कॉलोनीज को भेज दिया गया। 12 का होने तक मेरे पास 3 मालिक थे। बायोसेल रिंटार आया और कैप्टन ने मुझे खरीद लिया। जब G7 की मुहिम चली तो कैप्टन ने मुझे आजाद कर दिया। सेकंड मेट था, आधे दाम में। पहला मेट कौन था? हम कुछ समय से तुम्हारी इलीगल कॉलोनी के बारे में जानते हैं। अगर तुम चोरी के शिप में शेल्टर ना लेते
तो वेगा कब का तबाह हो चुका होता। मुझे कई चीजों का अफसोस है। कैप्टन इसे ज्यादा का हकदार है। मैंने ह्यूमैनिटी के विरुद्ध कई कहानियां सुनी हैं, जिसकी सजा सिर्फ मौत ही होती है। मैंने ये भी पढ़ा है कि कॉन्स्ट्रक्ट्स और ह्यूमंस अर्थ पे एक ही तरह की स्पीशीज थी। एक ह्यूमन डॉक्टर थे थैडियस हैचर, और उनका उनका सपना था होमो सेपियंस की ग्रोथ देखना। मुझे इन चीजों की परवाह न करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। नेफिलिम्स ने ह्यूमन की तादाद के बढ़ने का कई सालों से इंतजार किया है, और मुझे शक है कि वो उनसे अपना अमर होना जरूर शेयर करेंगे। वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। मैं बोर्ड पे मौजूद नेफिलिम को मारकर दूसरा रास्ता खोजना चाहती हूँ। कुछ नहीं है, वैसे रास्ता साफ है। अब हम क्या करें? इंजन स्टार्ट करते हैं। कैसे? थ्रस्टर की मदद से स्टार ड्राइव को रीरोट करो। वो स्लो होंगे पर हमें कोशिश करनी होगी। हे ब्लू, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। डरासी, अपने हाथ हटाओ। ये क्या है? क्या मैं एक रोबोट हूँ? क्या? मुझे माफ कर दो, मैं बस तुम सब जानते थे पर तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो तुम बस एक रोबोट ही तो हो। उसे छोड़ दो खटिया। कम से कम मेरे पास बॉडी तो है, और मैं अपनी रोबोटिक ताकत से तुम्हें मार सकती हूँ, क्योंकि एक रोबोट के पास आत्मा नहीं होती, समझे? मुझे लगा तुम खुश हो, और शिप को ठीक करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत थी। चुप रहो। मैं अक्सर तुम्हारे बारे में ही सोचती थी। वाकई? मैं तुमसे एक बच्चा चाहती थी और यही सपने देखती थी। ये तुम क्या कर रही? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मार्कस ने मुझे बताने से मना किया था। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, हर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता था। मार्कस ने तुम्हें ओवरीज दी थी, अगर हम साथ होते तो तुम प्रेग्नेंट हो जाती और क्या? तो तुम्हें क्या लगता है मैं खुश हो जाती? ओह बकवास बंद करो, रोबोट खुश है। तुमने तो एक बिल्डर को प्रेग्नेंट कर दिया। हाँ, पर ये सब कुछ तो हो रहा ही था, और यही तो परंपरा चली आ रही है। मैं फिल्म शिप्स की फ्लीट लैंड करने वाली है। कोई बात नहीं, हमारे पास काफी आदमी और वेपन्स हैं। सोच लो, कम भी पड़ सकते हैं। ब्लू को जल्दी ठीक करो प्लीज। क्या ये ऑर्डर है? हाँ। अगर हमें एयरबॉर्न नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। प्लान तो यही है। ओ, तो मैं क्यों परवाह करूं? मैं तो एक मशीन हूँ, बिना फीलिंग्स वाली। ट्रस्ट मी, तुम में फीलिंग्स आएंगी। वो आ गए हैं। अगर तुमने मुझे नई टाइटेनियम इंजन के साथ फिट किया होता तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। क्या तुम जानती थी मैं एक रोबोट हूँ? सभी जानते हैं। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं नहीं जाती। ये तुम्हारी आत्मा और दिल है, मैं ये सब पलक झपकते खत्म कर सकती हूँ। तुम ऐसा कर सकती हो, पर फिर तुम्हें पछतावे के साथ जीना होगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फीलिंग्स असली हैं? हाँ, बिल्कुल असली हैं। हम ह्यूमन से अलग नहीं हैं। उनके पास डीएनए है, और ये एक बायोलॉजिकल प्रोग्राम है। तुम्हें फायदा ये है कि तुम्हारे पास एक ह्यूमन बॉडी है। एटलीस्ट तुम अपनी फीलिंग्स के साथ काम तो कर सकती हो।
निशाना लगाओ, ऐसे ही शूट मत करो। मैंने 30 बार मारे। फिर भी संभल कर रहना। मिनी न्यू का इस्तेमाल करो। बहुत खूब। पीछे हटो। मुझे दो। कितना वक्त लगेगा? बस कुछ ही मिनट, हम रीस्टार्ट कर रहे हैं। वादा नहीं कर सकती क्योंकि हमें अभी काफी ऊपर जाना है। हमारे प्लाज्मा ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए काफी हैं। मैंने उन्हें तुम्हारे लिए लोड कर दिया है। पीछे हटो। तुम दोनों रेपियर 7 को संभालो, उसे यहाँ से 20 मील ईस्ट की तरफ केव्स के पास ले जाओ। वहाँ तुम सेफ रहोगी। यहाँ काफी धमाके होने वाले हैं, बहुत खतरा है यहाँ पर। दरवाजे बंद करो ब्लू। बहुत घटिया हो। सॉरी डेरासी, पावर कम है। तुम यहीं रहना और अपना ख्याल रखना। मैं ख्याल रखूंगी। मैं कोई रॉबर्ट नहीं हूं। ओके। उन्हें रोको। जरासी मैं ब्लू। ब्लू मुझसे बात करो। ब्लू
मैं ऊपर डेक पर हूं। शिप से चले जाओ। क्या तुम मरना चाहती हो? तुम गंदे काम करने वाले भद्दे लोग हो। मेरे इसी काम की वजह से करोड़ों कॉन्स्ट्रक्ट आज भी जिंदा हैं। मैं तुम्हारी तरह उन्हें मरा हुआ देखना चाहती हूँ। करना सिर्फ एक सब्र का काम नहीं है, यह फिश के खिलाफ एक जंग है। पहले उसे हुक से ललचाओ, उन्हें लॉक कर दो। फायर।
मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बड़े होकर उसकी तरह ना बने, पर कभी कभी लगता है कि वो उसी की तरह है। मैं एक जिंदगी बन गई हूँ, दुनिया को बनाने वाली। मैं हूं तो एक मशीन, पर मुझ में भी एक आत्मा है।